यू आर लुकिंग लाइक 17-18 इंडियन गर्ल. यही तो था व्यू जो हमने मिस कर दिया था कल. 150 रुपया देगा? नहीं, नहीं मिलेगा. What is happening? बता रही है कि यहाँ पे कुत्तों की रेस होने वाली है. Welcome. If you like to eat something, sir. I am going to river, then I will come back. I think it's looking tasty. Obviously. Okay. Where is this restaurant? It's right here. I love you. Hello guys. Good morning. Welcome back to another vlog. आज का प्लान कुछ ऐसा है कि जो बाकी जगहें बची हैं कज़ान में वो एक्सप्लोर करनी है, क्योंकि कज़ान जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और अभी ऑलमोस्ट 50% कज़ान एक्सप्लोर होने से रह गया है. ये मेरा होस्ट का घर है. ये बेड इस पे जहाँ पे मैं सोया था, ये हवा भरी हुई है बेसिकली इस गद्दे के नीचे. और जो नियाज भाई हैं होस्ट, वो यहाँ पे सोए थे. रुको. तो जो वीडियो में जो LGBT का जो फ्लैग देख रहा हूँ, झंडा देख रहा हूँ, तो मैं डिस्क्लेमर डाल लेता हूँ भाई, अपन एकदम स्ट्रेट है. तो मेरे होस्ट जो है वो LGBT का मेंबर है, लेकिन होस्ट होता है भाई. तो देखो, एंजॉय करो वीडियो, लेकिन कुछ गलत मत समझना. छोटा सा घर है लेकिन दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है. इनका मतलब जगह है जो है यहाँ पे रशिया में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं. मतलब फ्लैट जितने ज़्यादा बड़े होते हैं उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. तो ये भी आई थिंक इसका रेंट भी 16-17 हज़ार रुपये महीना होगा. और बस ये है, टॉयलेट ड्राई होती है, टॉयलेट पेपर यूज़ करना पड़ता है. तो यहाँ से अब मुझे जाना है बस स्टॉप, और वहाँ से हम निकलेंगे डाउन टाउन सिटी सेंटर के लिए. मैं बस चेक करता हूँ, और यहाँ से 30 नंबर बस जो है वो सीधा जाएगी. वो मुझे 500 मीटर पहले उतार देगी, और वहाँ से 500 मीटर वॉक करके सिटी सेंटर पहुँच जाना है. और बड़ा खतरनाक है भाई अंदर. सिटी सेंटर पहुँच चुका हूँ, और 10-15 मिनट लगी और बस ने मुझे सिटी सेंटर पहुँचा दिया है. अब जो कज़ान क्रेमलिन के पीछे वाला एरिया था तो वो एक्सप्लोर नहीं करा था, वो पूरी रिवर है. उससे आगे चल के एक यहाँ पे नेशनल म्यूजियम है, नहीं नेशनल लाइब्रेरी है, तो वो भी एक्सप्लोर करनी है. तो भी कुछ भाई मिले थे तुर्कमेनिस्तान से, साथ में फ़ोटो सेशन वगैरह कराया. तो यहाँ पे एक चीज़ है ना कि कुछ फेमस होना हो इंडिया का, लेकिन शाहरुख खान बहुत ज़्यादा फेमस है, तो देख के बोलते शाहरुख खान इंडिया फिल्म. बोला दादा दा रशियन में बोलते हैं यस को, और नियत बोलते हैं नो को, और इस पास मीन्स थैंक यू. तो बस मतलब थोड़ी बहुत आती है तो काम चल जाता है अपना. तो वो सामने कज़ान क्रेमलिन है, पीछे पूरा क्रेमलिन का एरिया है. पीछे वहाँ पे कुलशिव मॉस्क मैंने दिखाई थी. अब इस साइड चलते हैं देख के कि इधर की तरफ क्या है, क्योंकि यहाँ का एरिया मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं करा है. शायद एक्सकर्शन की पेपर बांट रही है. 10 जी, मेट्रो स्टेशन है, और कज़ान में मेट्रो चलती है. बढ़िया. एंट्रेंस है कज़ान क्रेमलिन का. कल थोड़ा सा एरिया यहाँ का रह गया था, इसको भी विजिट कर लेते हैं. एक पूरी मार्केट सी लगी हुई है चीज़ों की. ये कज़ान का ट्रेडिशनल कैप है, 50 रूबल हैं इसके, लेकिन चार्ज फ़ोटो खिंचाने के. सब यहीं की ट्रेडिशनल चीज़ें रखी हुई हैं, कप वगैरह, जो आई थिंक सारा हैंडमेड है. ये है कज़ान क्रेमलिन. क्रेमलिन क्या होता है? बेसिकली फोर्ट होता है, और ये इकलौता फोर्ट है जो ततार के टाइम से बचा हुआ है, बाकी सारे टूट गए थे. शायद कुछ इस तरह की है. और यहाँ से ये मेन एंट्रेंस है. इन्होंने अंदर
पुराने टाइम का जो मलवा रखा हुआ है वो अंदर पड़ा है और उसको बाहर से शीशे से ऐसे कवर कर रखा है एक यादगार बनाने के लिए और सेफ भी रहे। चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं अंदर से व्यू कैसा है। तो यह पूरा किला, जो टूटी हुई दीवारें हैं, जो मलवा है उसे भी इन लोगों ने रख रखा है याद में। पुराना कुछ इस तरह का था ये, और अब तो डेंट पेंट कर दिया है, इस पर शानदार बना दिया है। तो ये अंदर म्यूज़ियम है और इसमें चीज़ें रखी हुई हैं पुरानी। तो ये 16 सेंचुरी की यहाँ पे चीज़ें सारी रखी हुई हैं। देखो 16 सेंचुरीज पे ये जो तथार लोग जो थे वो कुछ इस तरह के दिखते थे, बेसिकली इनका ड्रेस कोड इस तरह का होता था। तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गई हैं चीज़ें। ये कुछ इनकी ज्वेलरीज रखी हुई हैं, पूरी ट्रेडिशनल ड्रेस है और आदमी कुछ इस तरह का कपड़ा पहनते थे और औरतें इस तरह का। ओके, अब तो यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। तो कभी भी अगर कज़ान सर्च करा होगा तो ये फ़ोटो ज़रूर आया होगा सामने। तो ये है मेन बिल्डिंग चर्च का। तो मस्जिद तो हम लोग विजिट कर ही चुके हैं, अब चल रहे हैं अंदर चर्च देखने के लिए कैसा है। चर्च तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है, लोग प्रेयर कर रहे हैं, कैंडल्स लगा रहे हैं। रशिया में बहुत सारे चर्च हैं और एक से एक खूबसूरत बना हुआ है। मैंने कभी पहले मतलब चर्च विजिट कराया है लेकिन देखा नहीं है क्या क्या होता है, आज देख लेता हूँ लाइव। ये पता नहीं नाम क्यों लिख रही है, या तो ये पेटी में चंदा डाल रही है या पता नहीं नाम लिख के कुछ ये विशेष मांग रही है, तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो कज़ान के अंदर मस्जिद और चर्च भर भर के हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे दो ही कल्चर के लोग ज़्यादा रहते हैं, धर्म तो यहाँ काफ़ी है लेकिन दो जो धर्म के लोग हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, एक तो मुस्लिम्स और दूसरे क्रिश्चियंस। लोकेशन कुछ इस तरह की है और बहुत ज़्यादा शानदार लोकेशन है। यही तो था व्यू जो हमने मिस कर दिया था कल। Здравствуйте. Здравствуйте. И сколько стоит? По аллее до конца обратно 2000, по всей территории 3500. Или один? Нет, за всю карету. 4-5 человек было. То भाई बोल रहे हैं कि 350 रुबल है एक तरफ के, यहाँ से वहाँ तक वो लोग हमको छोड़ देंगे और अगर वापसी आना है तो शायद 500 रुबल बता रहे थे, नहीं 150 रुबल एक तरफ के बताए हैं भाई ने और 350 रुबल दोनों तरफ के बताए हैं। और मैंने पूछा कि एक ही बंदे को लेके जाओगे, बोल रहे कि 4-5 बंदे हो तो बैठ जाओ, लेकिन मैं तो अकेला हूँ। तो बाकी यही सब था अंदर, कुछ फोर्ट बना हुआ है और पास में ही मॉस्क थी। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फेमस है वो मस्जिद के लिए आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है मस्जिद के अंदर। गूगल मैप भी ठीक ठाक काम करता है, बाकी जो रशिया का यहाँ पे मैप है यांडेक्स मैप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। यांडेक्स और टूजिस करके यहाँ पे एक मैप होता है, दोनों ऑफलाइन भी डाउनलोड हो जाते हैं वो, अगर कहीं इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोनों तीनों चीज़ दोनों मैप बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अभी फ़िलहाल में डिपेंड करता है कि कुछ सर्च करता हूँ इंटरनेट पे, गूगल मैप यूज़ कर लेता हूँ, और ट्रांसपोर्ट के लिए अगर कोई मैप यूज़ करना है तो वो 2GIS, उस पर वो दिखाता है कि कौन सी बस किस टाइम जा रही है, कौन से नंबर की बस जाएगी, कौन से बस स्टॉप पर उतरना है, तो हेल्पफुल होता है काफ़ी। रास्ते विच प्लीज वेलकम इफ यू लाइक टू ईट समथिंग सर। आई एम गोइंग टू रिवर देन आई विल कम बैक, आई थिंक इट्स लुकिंग टेस्टी। ओके, वेयर इज दिस रेस्टोरेंट? इट्स राइट हियर। Right here? Yes. Is it? Is it halal? Yes, halal. Okay. Inshallah, I will come soon. Okay. Thank you so much. Welcome. Bye. If you want to go to river, you need to go to straight ahead. I need to go Black River. Black Lake. Black Lake. Right here. Okay. Thank you, man. So, Black Lake, I've reached. काफी ज़्यादा crowd है यहाँ पे क्योंकि weekend है, Sunday है.
उसका नाम ब्लैक लेक क्यों रखा है? इसमें क्या ब्लैक है भाई? सब कुछ तो ग्रीन है। अच्छी खासी पॉपुलेशन है भाई कज़ान की। आर्तरम भाई ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, बोल रहे कि ब्लैक लेक आ जाओ, वहाँ के सब करते हैं और वहीं से एक्सप्लोर करने चलेंगे चीज़ें। फिलहाल उन्हीं का वेट कर रहा हूँ मैं, देखता हूँ कितनी देर में आएंगे वो। तो वहाँ सामने बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, शायद कोई कॉन्सर्ट है या क्या है पता नहीं, देखते हैं चल के। कितना क्राउड भाई, हो क्या रहा है यहाँ पर? पता नहीं क्या हो रहा है, कोई एक बंदा बस माइक लगाए हुए खड़ा है, या तो कोई यहाँ का फेमस सिंगर वगैरह होगा, कोई एक्टर होगा, तो कॉन्सर्ट चल रहा है। व्हाट इज हैपनिंग हियर? इज इट लाइक, इज देयर एनी फेमस सिंगर और एक्टर? बता रही है कि यहाँ पे कुत्तों की रेस होने वाली है, तो इसी वजह से इतनी भीड़ हो रही थी, मुझे लगा कोई एक्टर वगैरह आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। लोग अपने अपने कुत्ते को शाबाशी दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी कुत्तों की रेस हो रही थी जो मैंने मिस कर दी है, या फिर अभी होगी, अभी एग्जैक्टली पता नहीं चला है। यार रशिया में भी काफ़ी लोग इंग्लिश बोलते हैं, डिपेंड करता है मतलब, लेकिन ये जो ना अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब इनसे पूछोगे जाके कि डू यू स्पीक इंग्लिश, तभी वो बोलेंगे यस। यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं। तो भाई एंटरटेनमेंट के लिए इतनी सारी चीज़ें, मतलब कुछ नहीं मिला तो कुत्तों की रेस। ठीक है, ये भी नया एक्सपीरियंस है, कहीं तो होती है कुत्तों की रेस। लिटिल इंडिया। आर्तरम भाई बोल रहे हैं जैसे इन्होंने एंटर हुए तो इन्हें बहुत सारे लोग मिले तो बोलते हैं फक लिटिल इंडिया। आई थिंक रशियन पीपल लव टू स्पेंड टाइम विद डॉग्स, बिकॉज आई सो एवरी पर्सन हैव डॉग और समथिंग लाइक कैट, दे हैव पेट्स। रशिया में हर जगह ऐसे पार्क देखने के लिए मिल जाएंगे भाई। मैंने तो कभी रशिया में मतलब अभी इतनी भीड़ नहीं देखी है। हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नेशनल लाइब्रेरी और एग्रीकल्चर पैलेस और दूसरा नाम रिवर साइड। तीन चीज़ें अभी मुझे लेके जा रहे हैं आर्तरम भाई, अच्छे से घुमाएंगे। तो रिवर के पास बहुत खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है। आई थिंक हमने अब सब कुछ एक्सप्लोर कर ही लिया है। तो हम लोग आ गए हैं कज़ान रिवर, और बहुत ज़्यादा बड़ी है ये रिवर। देखते हैं यहाँ पे शिप वगैरह बेसिकली वैसे चलता होता है, और अभी तो मुझे शिप खड़ी हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि मिलती तो मैं शिप में भी सवारी करके जाता, क्योंकि उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है। एक बार मैंने उफा में करा था। भाई बता रहे कि वो बोट जो है वैसे तो नहीं मिलेगी, लेकिन रेंट कर सकते हैं। हाउ मच इट्स फॉर? 7,000? 10,000 possible, depends about boat, but you can see the quality. 5-4 people more than, depends about how big. Actually, it's normal rate, it's not expensive. ये है कज़ान रिवर। J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Alors si vous pouvez, dites-le moi. Qui sera ma seule raison de vivre ici? De me le dire, qui sera, qui sera, qui sera. What's the next?
Давай, данс. नो इट्स ओके. स्कूल का वामलियत लेट मी गेस द्विनाथ बट यू आर लुकिंग लाइक यू आर लुकिंग लाइक 17 18 इंडियन गर्ल 14. तो रिवर साइड काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, अप्रोक्स 3 से 4 किलोमीटर की यह पूरी ऐसी लंबी सड़क है और जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं और अच्छे अच्छे पिकनिक स्पॉट बने हुए हैं, देख सकते हो. तो वहाँ ऊपर से जो व्यू दिख रहा था, अभी मैं वहाँ था कज़ान क्रेमलिन और मॉस्क के पास, कुलशेफ मॉस्क के पास. तो जो नीचे की जो लोकेशन दिख रही थी वो ये है. अब मैं उस एरिया में आ गया हूँ जो वहाँ से वीडियो में दिख रहा था. काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है. तो रिवर साइड पूरा एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम जा रहे हैं एग्रीकल्चर पैलेस. वो सामने बड़ी सी बिल्डिंग है, अभी वहाँ चल के देखते हैं क्या है एग्रीकल्चर पैलेस के अंदर. हमने वो जो बड़ा सा पैलेस दिख रहा है वो है एग्रीकल्चर पैलेस और अभी हम चल के उसको एक्सप्लोर करेंगे. देखते हैं एग्रीकल्चर पैलेस में क्या है. तो देख रहे हो भाई, ये है एग्रीकल्चर पैलेस. इसको एग्रीकल्चर पैलेस क्या बोल रहे हो? ये तो किसी राजा महाराजा का घर लग रहा है, इतना शानदार बनाया हुआ है. जो बात है भाई, जो यूरोप का आर्किटेक्चर है उसके सामने हर जगह का फेल है. बिल्डिंग इतनी शानदार बनी होती है. ये आसपास का पूरा एरिया वो कैथेड्रल है, वहाँ ऊपर क्रेमलिन है, उधर कुलशरीफ मॉस्क है. तो ऑलमोस्ट सारा एरिया हमने एक्सप्लोर कर दिया है. रेस्टोरेंट जहाँ पर आर्तरुम भाई हमको लेकर आए हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा लंच मिलता है. अब देखते हैं यहाँ पे खाने में क्या ऑप्शन है. देयर इज नो एम्प्टी प्लेस. प्लेस है बट इट्स विंडी. हाँ, वेलकम ड्रिंक आई है. भाई बोल रहे कि ये पानी है और ये शराब है. तो मैंने उनको बोला कि शराब मैं नहीं पीता हूँ, तो इसको हम कर देंगे साइड से. दिस वन इज ऑल्सो फॉर यू. ओके, आई डोंट ड्रिंक. मीठा है. तो ये है कज़ान का लोकल मार्केट, स्ट्रीट मार्केट बोल सकते हैं इसे. तो जैसे अपने इंडिया में स्ट्रीट मार्केट पे दुकानें होती हैं, वैसे ही दुकानें यहाँ पे लगी हुई है. जूते, ₹50 में चप्पल नहीं मिलेगा? नहीं. कितने में मिलेगा? 200-250 तक. 200-250 तक में मिलेगा. ठीक है, ये तो महंगा है. ₹150 देगा? नहीं मिलेगा. ये स्ट्रीट जो है ये तुकाइवा स्ट्रीट है और इस पूरी स्ट्रीट पे सबसे ज़्यादा जितने भी रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे हलाल हैं. तो वहाँ पे वेज ऑप्शन भी अच्छा है और नॉन वेज तो अच्छा ही होगा. तो किसी को अगर कज़ान के अंदर हलाल फूड ढूंढना है तो इतनी बड़ी बिग डील नहीं है. यहाँ से सब यहाँ पे हलाल फूड. ट्रेडिशनल ततार कैफ़े है और
सारा खाना यहाँ पे अवेलेबल है, हलाल फूड ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ के रेट किस हिसाब से हैं, व्हाट वी कैन ईट हियर। दे डोंट हैव लंच कॉम्बो, तो ये पानी की बोतल है 60 रुपए की आधा लीटर। तो रशिया में क्या है, पानी महंगा है और बियर सस्ती है, तो मैंने ऑर्डर करा है एक सूप और ये बेसिकली लिपोश्का। लिपोश्का रोटी को रशियन में लिपोश्का बोलते हैं, एक मोटा खमीरी ब्रेड की तरह होता है। खाना आ चुका है, ऑमलेट है, फ्राइज है, चिकन है, ये सूप है, बस ये सबके पे करें 250 रुपये और एक टाइम के खाने के 250 रुपये ठीक है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव है नहीं। तो ये सामने विलेज है और एक कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बना दी है जिसके अंदर दिखाया है कि 18-19 सेंचुरी के अंदर घर कैसे होते थे और नॉर्मल हाउस जो होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। अभी हम लोग चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कैसी लोकेशन है क्या है। तो ये ट्रेडिशनल चाय का बर्तन है, तो चाय जो होती थी यहाँ पे ऐसे बनती थी, पूरा पूरी विलेज वाली फील आ रखी है यहाँ पे। पूरा बिल्डिंग को है तो मॉडर्नाइज, लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं, लेकिन इसको गांव की फॉर्म में तब्दील कर रखा है इन्होंने, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लकड़ी से बना रखा है। व्हाट इज दिस, कुर्निक समोसा, ये है ततार समोसा, एच पुश पुश, व्हाट व्हाट एच पुश मार्क, एच पुश मार्क भाई इसका नाम है, एच पुश मार्क राइट, एच पुश मार्क सही है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आलू भरे होते हैं और अपने समोसे की शेप में है, तो इसको भी समसा बोलते हैं ये, और हम लोग इंडिया में समोसा बोलते हैं। दिस इज नाउ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस इन कज़ान, सो ब्यूटीफुल हियर। मैगजीन रशिया में शॉप को बोलते हैं, दुकान को यहाँ रशिया में मैगजीन बोलते हैं। अंदर देखते हैं अंदर क्या चीज़ है भाई। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वुड आई थिंक सो, व्हाट अबाउट 1% इट इज ट्रेडिशनल ततार डियर विद तुबतीता, ब्यूटीफुल। सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार, ये ज़रा सा है और 4,500 रूबल का है। तो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आई थिंक कज़ान में मैंने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। अब प्लान क्या है कि कल यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जिसको 2 घंटे बोट से ट्रेवल करके जाना है, और मेरी जो टिकट है दोनों तरफ की बोट की बुक है, कल वो एक्सप्लोर करूँगा। और परसों इस सिटी से मैं निकल जाऊँगा अगली सिटी नवगरोध के लिए, तो आगे और ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है। और ये सिटी जो कज़ान सिटी के व्लॉग जो है थोड़े से लंबे हो गए, क्योंकि सिटी में इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए मैं बता नहीं सकता। अभी भी काफ़ी हिस्सा ऐसा है जो मैंने शूट नहीं करा है, क्योंकि हर दूसरे कदम पर यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने के लिए है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, कमेंट में बताओ मुझे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए तस्विदानिया।